इसी को तो लेके लोग मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने माथा टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति थे, मेरे पास आए और बोले, मेरे पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा है, जैसे सागर में जल। मैंने कहा, अच्छा, बड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हो। बोले, लेकिन प्रभु, इतना धन होने पर भी ये सारा धन सागर के जल की तरह नमकीन है, प्यास नहीं बुझती। चाहे कितना भी कमा लो, प्यास नहीं बुझती। लेकिन मैं देखता हूं कि आप भक्ति कर रहे हो, आपके हृदय के अंदर कृष्ण भक्ति का कुआं का मीठा जल है। कृपा करके आप अपने कुएं के जल का दो बूंद मुझे दे दो। मैंने कहा, कुएं का जल का मीठा जल का दो बूंद आप ले लो और आप थोड़ा इस्कॉन को अपने सागर का दो बूंद दे दो। इतना मैंने बोला, वो सज्जन अगले 6 महीने तक मंदिर से ही गायब हो गए। इतने घबरा गए, उनको लगा अगली बार देखूंगा तो पकड़ ही लूंगा। तो हर एक व्यक्ति मंदिर आता है तो इसी गुप्त भाव को लेके आता है, हे कृष्ण, हे गिरिराज, हे मदन मोहन, हे राधा गोविंद, जो भी विग्रह मिले। विग्रह अलग अलग है इस्कॉन में, लेकिन सभी विग्रह के सामने जाके प्रार्थना वही रहती है, संपत्ति बढ़ाओ, विपत्ति घटाओ। सुबह सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम में शिक्षाष्टकम बोल देते हैं, न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम्मा मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। फिर उसके बाद जब दर्शन खुलता है तब बोलते हैं, अरे वो तो महाप्रभु की प्रार्थना थी, अपनी प्रार्थना तो वो लेवल की नहीं है।